आज से हम लोग अपना अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे सिल्वीकल्चर, जो अपनी पहली यूनिट है अपने दिए गए सिलेबस की, उसी का पार्ट है। पहली यूनिट में तीन सब्जेक्टों को रखा गया था। एक था सामान्य वानिकी, जिसे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा ये सिल्वीकल्चर है, और तीसरा एक ट्री स्पीसीज का दिया गया है जो आधा एक पेज के आसपास का मैटर है। हालांकि उसे भी थोड़ा लंबा डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे अदर चीज़ों को इंटरलिंक कर लिया जाता है, जिससे सब्जेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है, और वो एक एक ही जगह चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जिन्हें एक ही जगह कवर कर लिया जाता है। सिल्वीकल्चर को देख लेते हैं। सिल्वीकल्चर, या हिंदी में शायद बोलते हैं इसे सस्य विज्ञान, हिंदी का पता भी नहीं है, छोड़ दो उसे। सिल्वीकल्चर जो है बहुत ही ज़्यादा पूरी फॉरेस्ट्री का कोर है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ऐसे पेपर जिनमें जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 क्वेश्चन का आता है, 100 प्रश्न के जो पेपर आते हैं, सिल्वीकल्चर अकेले 15 से 20 क्वेश्चन उसमें आ जाता है। 15 से 20 क्वेश्चन अकेले सिल्वीकल्चर के उन पेपरों में आ जाते हैं। ये तब है जब सिलेबस बहुत वास्ट होता है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है। अब अपने जैसे चंगू मंगू से सिलेबस हैं, जैसे MP का है, छत्तीसगढ़ का है, जिनका सिलेबस बहुत छोटा है। इनमें बहुत सारी पार्ट हैं जो हटा दिए गए हैं, जैसे फॉरेस्ट एक्सटेंशन एजुकेशन है वो इसमें नहीं है, स्टेटिस्टिक्स वो नहीं है, डेंड्रोलॉजी है, इथनोबॉटनी है, ये सारी चीज़ें इसमें है ही नहीं, साइट्री इम्प्रूवमेंट भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जब हटा दी गई हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी होने के बाद भी तब भी सिल्वीकल्चर जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट रोल कर लेता है, क्योंकि वो बहुत सारा पार्ट है ही नहीं। तो फिर जो बचता है उनमें तीन चार सब्जेक्ट ऐसे हैं जो डोमिनेंट हो जाते हैं। उनमें एक तो है सिल्वीकल्चर, दूसरा है फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन, एक है एग्रो फॉरेस्ट्री सोशल फॉरेस्ट्री, और इन्वायरमेंट ENP इन्वायरमेंट। ये चार सब्जेक्ट जो है फॉरेस्ट्री में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं। अब इन्वायरमेंट आपका अलग ही है, तो उसका कोई मुद्दा नहीं है, और ये तीनों सब्जेक्ट आपके सिलेबस में अच्छी तरह से वैसे भी दिए गए हैं। तो इस हिसाब से मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि अगर अपने में 40 क्वेश्चन आते हैं फॉरेस्ट्री के, तो लगभग 40 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग 7-8 क्वेश्चन अकेले सिल्वीकल्चर से आ जाएंगे, और अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसी के हिसाब से आप कर लीजिए, लगभग 5-6 क्वेश्चन तो अपने सिल्वीकल्चर से आने ही आने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। और ये वैसे अगर देख लिया जाए तो सबसे ज़्यादा आपका जो टाइम कंज्यूम होने वाला है वो सिल्वीकल्चर में होगा। सिलेबस में भले ही छोटा है, लेकिन ये इतना ब्रॉड है कि हर सब्जेक्ट इसका बेस बनाता है। ये तो इसमें थोड़ा स्टार्टिंग में अपने को धीरे धीरे जाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। आपकी लगभग 1-1.5 घंटे की जो भी क्लास होती है पर डे, उस हिसाब से ये चलेगा। तो पहला शायद वीक खा सकता है ये आराम से, लेकिन बाद के जो अपने सब्जेक्ट हैं वो ऐसे हैं कि 1 घंटा 1.5 घंटे में भाग गए, तो बाद में बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में सिल्वीकल्चर ही सबसे ज़्यादा टाइम खाता है। और ये समझ में आ गया आपको, तो समझ लो आपको पूरी फॉरेस्ट्री की आत्मा समझ में आ गई, अपना काम बहुत स्मूथली चला जाता है। तो आज इसे पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ जो मैसेज हैं उन्हें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कुछ लोगों को थोड़ा डाउट था कि जो दिया गया कंटेंट है, जो स्टडी मटेरियल आपको दिया जा रहा है, या जो क्लासेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या ये कंप्लीट है, क्या उन्हें इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है। तो बेसिकली थोड़ा ये जो एल्गोरिदम है जो हम लोग वर्क करते हैं उसे समझ लेते हैं। देखो, हम लोगों की कोशिश रहती है कि आपको जो भी कंटेंट दिया जाए वो अपने आप में पूरा हो, और एटलीस्ट आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें 90% क्वेश्चन अकेले आपके, हमारे जो भी कंटेंट है उससे आ जाए। तो हमारी एल्गोरिथम यही रहती है कि एक तो हमारे पास पहले से 12 से 15 साल के आसपास का एक्सपीरियंस है, जो भी है काफ़ी लोग हैं पहले से जो ARS हैं, जो under 5 rank है, किसी की फर्स्ट रैंक है, किसी की 5th rank है, और जो JRF SRF निकाल के अभी ARS की पोस्ट पे हैं, जो जूनियर या सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हैं। तो पहला तो हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से है, प्लस 60 क्वेश्चन पेपर्स हैं जो पिछले 10-15 सालों के इकट्ठे किए गए फॉरेस्ट्री के पेपर्स हैं। है तो ज़्यादा, लेकिन ये मेनली वही है जो हमारे पास कंप्लीट है, कि ऐसे कुछ ऐसे भी जो मेमोरी बेस्ड पेपर हैं तो उन पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि, और फिर वो पूरे पेपर नहीं होते हैं, कभी 20 क्वेश्चन लिखे हैं, कहीं 25। तो रफली ये 60 के आसपास क्वेश्चन पेपर हैं। तो एक तो एक्सपीरियंस, दूसरा ये 60 के आसपास जो लगभग 7,000 के आसपास
क्वेश्चन बना लेते हैं टोटल, तो ये एक बहुत ही क्वेश्चन बैंक बड़ी हो जाती है, उन्हें देख लेते हैं तो उससे समझ में आ जाता है, इनको पूरा एनालाइज किया जाता है प्रॉपर वे में कि क्या क्वेश्चन आए हैं, क्या नहीं आए हैं और क्या आ सकता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम का सिलेबस और रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती है, तो उन्हें भी देखा जाता है, करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है उसके हिसाब से भी देखा जाता है। तो ये कंटेंट जो है उन सबको सोच समझ के ही बनाया जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आपका सिलेबस है वो अगर इतना है तो हम लोग उसे देखते हैं कि अच्छा कितना आ सकता है उसके एरिया से, तो ये एरिया है जो हम लोगों के हिसाब से आना चाहिए आपके एग्ज़ाम में। तो कंटेंट जो है आपका स्टडी मटेरियल वो उससे थोड़ा ज़्यादा ही बनाया जाता है, जिससे कम से कम आपके 90% जो क्वेश्चन है वो अकेले इसी से आ जाए। तो आपको जो भी दिया जा रहा है उसे आप बाइबल, गीता, रामायण, महाभारत जो भी समझो उसे समझ लो और उससे कम से कम 3-4 बार पढ़ो, समझो, सोचो, समझो, रट्टा मार लो जो नहीं आ रहा है, लेकिन उससे कुछ छूटना नहीं चाहिए। उसमें गया तो फिर आपका कुछ मतलब फिर थोड़ा कवर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इससे कुछ छूटना नहीं चाहिए जो भी है। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपको कोई थ्योरी दी गई है और थ्योरी में कुछ कई बार हो जाता है कि चीज़ें कवर प्रॉपर नहीं हुई है, तो जब उसके क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन में प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन दे दिया जाता है तो वो चीज़ें यहाँ कवर कर ली जाती है, तो ये दोनों मिला करके आपका वो कवर हो ही जाता है। तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, जो भी है उसे सही से करो, काम आराम से हो जाएगा, हंसते खेलते हो जाएगा, अपना 90% क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी कि मैं उम्मीद करता हूँ अगर 40 क्वेश्चन है तो अपने आराम से 36-37 क्वेश्चन हम लोग आराम से करके आ जाएंगे फॉरेस्ट्री के, और 25 क्वेश्चन अगर मान रहे हैं तो 22-23 के आसपास क्वेश्चन कर लेंगे। ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल से चंगू मंगू से क्वेश्चन आते हैं, आराम से हो जाते हैं, फॉर जस्ट कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए। यहाँ पर हमारा पर्पज़ ये नहीं है कि हम कोई 30 मार्क खाएं। हम लोग राजस्थान ACF का अभी एग्ज़ाम हुआ था, राजस्थान ACF का फरवरी में, उसमें हमारे लगभग किया क्या गया कि एक तो स्टडी मटेरियल दिया गया था और ये जो 60 यानी कि जो 7,000 के आसपास जो क्वेश्चन बैंक बन रहा था तो ये उस टाइम पर पूरा तो प्रिपेयर नहीं था, लेकिन लगभग 16-17 सब्जेक्ट थे जो कम प्रिपेयर हो गए थे, लेकिन उनकी आंसर की नहीं बन पाई थी, फिर भी उन्हें जल्दी जल्दी में प्रोवाइड करवा दिया गया था PDF फॉर्मेट में। तो ये क्वेश्चन जो थे MCQ और ये स्टडी मटेरियल है इनसे कुल मिला करके 106 के आसपास क्वेश्चन निकल आए थे आउट ऑफ 120। जो रिमेनिंग छूटे थे वो राजस्थान स्पेसिफिक थे, जिन पे हम लोगों ने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, उन सारी चीज़ों पे छूट गई थी या उस टाइम पे हम लोग इतना पेपर एनालाइज भी नहीं कर सके थे। तो ये एक जस्ट बताने के लिए कि हाँ इतना जो कोशिश की जाती है वो आराम से आ जाती है, और 10% के लिए इतना करना पॉसिबल भी नहीं हो पाता, क्योंकि वो 10% जो है छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर उन्हें 10% को कवर करते हैं तो आपका जो स्टडी मटेरियल है वो लगभग डबल हो जाता है। डबल का मतलब आप यहाँ पर 4-5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मिक्स टाइप के जो एग्ज़ाम है आपके साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी है, मैथ, रीजनिंग वगैरह भी है, और MPG के, स्टडी के भी है, तो ऐसे में इतने एक सब्जेक्ट को इतना कर दो तो वो कॉस्ट बेनिफिट नहीं देता है, फालतू के टाइम बर्बादी है, तो अपन इसी के साथ जाएंगे, इतना अपने लिए इनफ है। अब अपने सब्जेक्ट पर लौट लेते हैं, तो जो अपना आज का मुद्दा है सिल्वीकल्चर का, तो पहला सब इसका चैप्टर रहेगा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के, आखिर अपना फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट के टाइप मतलब उसे कैसे बांट सकते हैं जिससे समझने में आसानी हो, फॉरेस्ट्री क्या है और उसके क्या फॉरेस्ट्री के क्या टाइप हो सकते हैं, सिल्वीकल्चर, सिल्विक्स ये क्या है, इसका हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, और आखिर इतने माथापच्ची कर रहे हैं हम लोग फॉरेस्ट को समझने के लिए तो इसका हमारे लिए रोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, या फॉरेस्ट से हमें क्या बेनिफिट है, ये सारी चीज़ों को हमें समझना है इसमें। तो सबसे पहले तो हम लोग यही देख लेते हैं कि आखिर ये जो फॉरेस्ट है वो है क्या। अब फॉरेस्ट को समझने के लिए अपन पहले इतिहास में समझते हैं कि आखिर ये जो फॉरेस्ट है ये शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बात स्टार्ट होती है लगभग मध्यकाल यूरोप में, यानी कि मिडिवल जो यूरोपियन सोसाइटी थी उस टाइम पर। अब ये वो टाइम है जब जो अर्थव्यवस्था है वो मार्केट बेस्ड तो है नहीं, जैसे कि आजकल पूरी मार्केट इकोनॉमी चल रही, ऐसी कुछ थी नहीं। तो उस टाइम पे राजा की सोर्स जो इनकम का सोर्स है वो क्या है, वो है जमीन, जमीन पे लगने वाला लगान जो
जो नीचे किसानों से वसूल लेते थे। इसका मतलब यह है कि जो राजा जिसके पास जितना बड़ा एरिया होगा, जितने बड़े एरिया पर वो खेतीबाड़ी कर रहा होगा या करवा रहा होगा, उतना ज़्यादा उस पर लगान मिलेगा और वो उतना ही ताकत होगा, उतना ही ताकतवर होगा। तो हर राजा चाहता है कि उसकी ताकत बढ़े, तो उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े एरिया को साफ कर दिया। अब क्योंकि ये वो वाला टाइम है जब इन्हें खाना बनाने के लिए, आजकल गैस सिलेंडर तो आते नहीं थे, तो चाहिए क्या, लकड़ी चाहिए। अब लकड़ी आएगी कहाँ से? तो इन लोगों ने क्या किया कि इनकी जो एम्पायर थी, जो छोटे छोटे फ्यूडल सोसाइटी थी उस टाइम पर, तो जो फ्यूडल थे छोटे छोटे, उन लोगों ने क्या किया कि उनका जो एरिया था उसके चारों तरफ इनने पेड़ों की प्लांटेशन कर दी। इससे इन्हें दो फायदे पड़े, एक तो इन्हें जो लकड़ी की ज़रूरतें थीं वो भी यहाँ मिलने लगी, दूसरा एक टाइप से एरिया की मार्किंग हो गई। मार्किंग का मतलब जो इधर कोई दूसरा फ्यूडल है उसका भी एरिया है, तो एक टाइप से इन्हें अपनी मार्किंग हो गई कि भाई ये मेरा एरिया है, वो तेरा एरिया है, हम एक दूसरे मतलब एरिया एक टाइप से बंटवारा हो गया। अब ये वो एरिया जो इनके गांव की बाउंड्री पे था उसको ये टर्म यूज़ करते थे फोरेस्ट। फोरेस्ट का मतलब कि वो एरिया जो गांव की बाउंड्री पे हो, क्योंकि इनके गांव का ही एरिया है ये, तो इसकी बाउंड्री वाला जो एरिया है उसे ये यूज टर्म करते थे फोरेस्ट। और वहाँ पर जो पेड़ थे वो कैसे थे, कुछ तो प्राकृतिक होंगे लेकिन ज़्यादातर इन लोगों ने लगाए होंगे, तो जो लगाए हैं अब वहाँ पर जो पेड़ खड़े हो जाएंगे, ये पेड़ के लिए क्या शब्द यूज करें, तो ये टर्म यूज करते थे यहाँ सिल्वा। सिल्वा का मतलब होता है पेड़ों का समूह, पेड़ों का ग्रुप, ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हों, या इसी को ये वुड लैंड भी यूज करते थे। क्या करते हैं, वुड लैंड, वो जूते वाला वुड लैंड नहीं, ये वुड लैंड मतलब वो ज़मीन जिस पर वुड या टिम्बर खड़ा हुआ है, ये दो शब्द यूज करते थे। लेकिन एक सेंस में ये उसे सिल्वा भी टर्म यूज कर देते थे। सिल्वा का मतलब होता है कि वो एरिया जो ज़मीन जो गांव की बाउंड्री पे हो या गांव की बाउंड्री के बाहर हो, तो जो फॉरेस्ट टर्म यूज करते थे गांव की बाहर के लिए, उसी से अपने फॉरेस्ट शब्द की उत्पत्ति हुई। कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि ये जो फॉरेस्ट है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है फॉरेस्ट, उससे मिलके बना है, जिसका मतलब होता है आउटसाइड ऑफ विलेज बाउंड्री। हिंदी में बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट जो है वो लैटिन भाषा का शब्द फॉरेस्ट से मिलके बना है या फॉरेस्ट से बना है, जिसका मतलब है गांव की बाउंड्री के बाहर बाहर। इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, कोई आपसे पूछेगा कि ये जो फॉरेस्ट है वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो आप सीधा सीधा लैटिन लगा दोगे, या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये जो फॉरेस्ट शब्द है वो लैटिन शब्द फॉरेस्ट से मिलके बना है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या है, आउटसाइड बाहर। या फिर क्वेश्चन और भी आ जाते हैं इस पर, बहुत सारे घने क्वेश्चन आए हैं, कोई लैटिन पूछेगा, कोई फॉरेस्ट पूछेगा, कोई आउटसाइड पूछेगा, कुल मिला के ये चीज़ें चलती हैं। अब देख लेते हैं कि ये जो फॉरेस्ट है वो है क्या, यानी कि इसकी डेफिनेशन। अब अगर आपसे सीधा सीधा बोलें तो अपन जो बोलते हैं कि फॉरेस्ट का मतलब, आपके दिमाग में एक ऐसी पिक्चर आएगी कि भाई ऐसा एक जंगल वाला एरिया है जहाँ पर पेड़ बहुत घने खड़े हो रखे हैं, पूरी दर तरीके से पेड़ हैं, उस पूरे एरिया को पेड़ों ने ढक लिया है और ये पेड़ आदमी ने लगाए नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से वहाँ उग गए हैं। तो एक टाइप से ये जो अपने दिमाग में आता है ये परिभाषा है, इसे बोलते हैं इकोलॉजिकल डेफिनेशन। यहाँ कोई इकोलॉजिकल है, कोई लीगल है, कोई टेक्निकल है, यहाँ डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, जनरली आपसे सीधा सीधा डेफिनेशन लिख लिया जाता, सीधी डेफिनेशन दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि इसका मतलब क्या है, तो वहाँ नीचे लिखा होगा फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ऐसा लिख दिया जाता है। तो पहली डेफिनेशन देखते हैं जो अपनी जो अभी थ्योरी पढ़ी थी उससे बनी है, कि एन एरिया सेट असाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू गेट, मतलब अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या इनडायरेक्ट बेनिफिट, मतलब कि वो एरिया जो आपने, आपके पास जो भी खेतीबाड़ी का एरिया था उससे आपने उसे अलग कर दिया, एक तरफ साइड में कर दिया, और उसका पर्पज रहा इससे आप टिम्बर लेना चाहते हैं या फिर इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी फायदे हैं उन्हें लेने के लिए आपने एक एरिया को अलग कर दिया और वहाँ पर टिम्बर प्रोड्यूस कर रहे हो,
इसे टेक्निकल डेफिनेशन बोलते हैं। बस आपको टेक्निकल इकोलॉजी में पसड़े में नहीं पढ़ना, बस इस एरिया या जो डेफिनेशन है उसे याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में सीधा डेफिनेशन लिख दिया जाएगा और आपको बताना होगा ये क्या है। तो वो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है। दूसरा क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इसकी जो इकोलॉजिकल डेफिनेशन होती है कि ऐसा अनकल्टिवेटेड लैंड जो कि प्राकृतिक वेजिटेशन ने उसे कवर कर लिया है और उसकी कैनोपी जो है पेड़ों की जो झुरमुट होते हैं जो उनका क्राउन है पेड़ों की जो पत्तियों का वो पूरा जो बनता है क्राउन वो आपस में क्लोजली है, नीचे जनरली ज़मीन पे धूप नहीं पहुंच पाती है। ये जो परिभाषा है ये है इकोलॉजिकल। एक तीसरी परिभाषा भी दी जाती है फॉरेस्ट को, लीगल। लीगल मतलब जो कानूनी रूप से, कानून को फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारी कैसी चीज़ें हैं, वो सीधा मानता है कि कोई भी ज़मीन जिससे सरकारी कागजों में चाहे वो सेंटर के हों स्टेट के हों या नीचे पंचायत लेवल के हों उनमें अगर किसी एरिया को ये बोल दिया गया कि ये जंगल की ज़मीन है तो फिर भाई वो जंगल की ज़मीन है, चाहे वो उस पर पेड़ खड़े हों या ना हों कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है लीगल डेफिनेशन, एनी लैंड एरिया डिक्लेयर एज फॉरेस्ट अंडर एनी सेंट्रल स्टेट या लोकल लॉ। तीनों डेफिनेशन याद रहना है, रखनी ही है। इस पर क्वेश्चन कर लेते एक दो। जैसे क्वेश्चन है, फॉरेस्ट इज डिफाइंड एज प्लांट कम्युनिटी कंप्राइजिंग मेनली ऑफ ट्री एंड एसोसिएट वुडी वेजिटेशन यूजली विद अ क्लोज कैनोपी अकॉर्डिंग टू। अब ये ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं देखो, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन था तो इस चक्कर में से डाल दिया गया। इन्होंने जो अपनी इकोलॉजी वाली डेफिनेशन है उसको घुमा फिरा करके डाल दिया कि ऐसी ऐसी परिभाषा है और ये किस हिसाब से है, तो ये अपनी इकोलॉजिकल डेफिनेशन आ जाती है। दूसरा क्वेश्चन आया था कि वो एरिया जिसे आपने अलग कर दिया है किसके, टिम्बर और अदर जो फॉरेस्ट रिसोर्स हैं उनके प्रोडक्शन के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे फॉरेस्ट बोलेंगे। देखो मिले जुले शब्द आते हैं और कन्फ्यूजन हो जाता है वहाँ पर, तो ध्यान रखें इसे फॉरेस्ट बोलेंगे। सभी क्वेश्चन आपके जो आ सकते हैं वो इसी टाइप के आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन, यानी कि फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे इंसानों को ले लो, इंसानों को अपन बांट सकते हैं, काला है या गोरा है, ऊंचा है या छोटा है, मोटा है या पतला है इंसान ही, दो ही ले लो, एक ए है और एक बी है। आप इसे इस टाइप से ले सकते हो, छोटा बड़ा, मोटा पतला, ऊंचा छोटा, जो भी है, मतलब बहुत सारे एंगल होते हैं देखने के, उसके हिसाब से अपन उन्हें बांट लेते हैं। वैसे ही यहाँ फॉरेस्ट को भी अपन कुछ एंगल्स के बेस पर क्लासिफाई करते हैं। यहाँ 7-8 एंगल हैं, हर एंगल को हमें डिटेल में समझना है, हर एंगल से लगभग क्वेश्चन आते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो अपना पहला चैप्टर है ये एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म हो गया है MPPSC का। पहले हम देखते हैं उम्र के आधार पर, उम्र के आधार पर पेड़ दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इवन एजड और दूसरे अन इवन एजड। इवन का मतलब समान, एजड का मतलब उम्र में, यानी कि वो पेड़ या वो जंगल जो समान उम्र का हो। अक्सर कैसे होते हैं ये, जैसे कहीं हमने प्लांटेशन कर दिए, जंगल जो है वन विभाग है उसने किसी एरिया में प्लांटेशन कर दी, यहाँ पर पौध लगाई थी, पेड़ों को आज से 20 साल पहले लगाया था और आज ये लग गए, तो ये सभी के सभी कितने साल के हैं, 20 साल के हैं, 20 ईयर के हैं। तो ये एक एंगल है कि सभी एक ही एज के हैं, तो हम इसे बोलते हैं इवन एजड, या इसी को बोलते हैं रेगुलर फॉरेस्ट। रेगुलर भी टर्म याद रखना है, रेगुलर फॉरेस्ट दोनों ही पूछे जा चुके हैं। दूसरा वो जंगल जिसमें इस टाइप का कोई फिक्स नहीं है, वहाँ पर हर एज के पेड़ हैं, जैसे अपने नेचुरल है फॉरेस्ट है सतपुड़ा के घने जंगल, चले जाओ कहीं भी पहाड़ियों पर, हर एक छोटा सा भी एरिया लोगे वहाँ हर उम्र के पेड़ पौधे मिल जाएंगे, तो वो कैसा है, अन ईवन एजड या विषम एज वाले, या इसे बोल देते हैं इरेगुलर। ये रेगुलर नहीं है, ये इरेगुलर फॉरेस्ट है, इरेगुलर वन है। एक तो इनकी डेफिनेशन से काम हो गया। एक दूसरा मुद्दा भी इसमें पड़ता है कि मान लो अपने कहीं प्लांटेशन वगैरह की है और पेड़ जो हैं उनमें थोड़ा वेरिएशन है। वेरिएशन कैसे, जैसे कि आपके पास ये एरिया है और यहाँ पर आपके 1000 पेड़ लगे हैं, अब 1000 पेड़ में से यहाँ 800 पेड़ ऐसे हैं जिनकी उम्र है 100 साल, यहाँ पर 100 पेड़ ऐसे हैं जिनकी उम्र है 90 साल,
और बकाया के 100 पेड़ ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है वो है 95 साल। तो क्या हम इसे इवन एजेड मानेंगे या अन ईवन एजेड मानेंगे, क्या मानेंगे, तो ये भी एक इशू रहती है। तो इसके चक्कर में फिर एक क्राइटेरिया आया कि ऐसे केस में जहाँ पेड़ों की उम्र जो है वो 100 साल या उससे ऊपर का हो, एक टर्म यूज किया जाता है रोटेशन, आगे हम लोग बार बार यूज करेंगे इसे, रोटेशन। रोटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे तुम यहाँ से गए और रोटेट होके यहीं पे फिर आ गए, यही तो है रोटेशन। फॉरेस्ट्री में कैसे चलता है रोटेशन, जैसे अपन गेहूं की खेती कर रहे हैं, आप ऐसे समझ लो कि आपके पास एक कोई ऐसी फसल है जो 1 साल की होती है, आपने आज फसल लगा दी, आज यहाँ पर पेड़ लगा दिए, ये पेड़ बढ़ेंगे बढ़ेंगे लास्ट में पहुँचेंगे और यहाँ पर जब फसल पक जाएगी अपन काट लेंगे। तो ये जो साइकिल है, एक साइकिल है, इस एक साइकिल को बोलते हैं अपन रोटेशन। अब गेहूं में ये रोटेशन है आपका, सपोज जो ठंडे वाले एरिया के हैं उत्तराखंड में ऊपर के हैं जो ग्रेट हिमालय वाले, उनके गेहूं का जो रोटेशन है वो लगभग 10 महीने के आसपास है, आज लगा दो 10 महीने में वो कट जाएंगे। अपने यहाँ जो गेहूं है वो 6 महीने के रोटेशन पे चल जाता है, यहाँ पर जो पेड़ हैं उनका रोटेशन ऐसा होता है कि आज लगा दो 80 साल बाद कटेंगे, 100 साल बाद कटेंगे, 200 साल बाद कटेंगे, तो वो उनका जो पीरियड है वो है रोटेशन का। तो इसमें एक क्राइटेरिया आया कि अगर जो पेड़ों का रोटेशन है वो 100 साल या उससे ऊपर हो तो हम 25% तक का वो दे सकते हैं, कितना 25% तक का, अप टू 25% ऑफ रोटेशन एज में भी अलाउ, इतने तक को हम एक टाइप से रिलैक्सेशन दे देंगे कि बोले कौन इतने चिल्लर में पड़े, अगर आपके 25% जो भी आपका रोटेशन की एज है, ये रोटेशन की एज है, उससे आप 25% का फ्लक्चुएशन आप दे सकते हो कि अगर रोटेशन 100 है या 100 से ऊपर है तो ऐसे पेड़ जिन्हें जिनकी उम्र 125 तक हो या एक से जिनकी एज 75 तक हो, हम उन्हें 100 के अंडर ही मान लेंगे और इसे इवन एजेड फॉरेस्ट मान लेंगे। इसके पीछे रीज़न ये है कि पेड़ों की जो मोटाई में हाइट में जो ग्रोथ होती है वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होती है, एक टाइम के बाद जो ग्रोथ है वो बहुत कम होती है, वो एक टाइप से डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहता नहीं है, तो इसे हम फिर इवन एजेड फॉरेस्ट ही मान के चलते हैं। तो यहाँ दोनों चीज़ों समझ लो, पहला है इवन एजेड या रेगुलर फॉरेस्ट, दूसरा है अन ईवन एजेड या इरेगुलर फॉरेस्ट। रेगुलर फॉरेस्ट मतलब वो फॉरेस्ट जो लगभग सभी एक ही एज के, एक ही उम्र के हों, या फिर इनकी उम्र में थोड़ा बहुत जो डिफरेंस उसे हम कंसीडर करते हैं, हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं, तब जब इनका रोटेशन जो है वो 100 साल या उससे ज़्यादा का हो तो हम 25% तक जो एज की उम्र का जो डिफरेंस होता है उसे निगलेक्ट कर देते हैं और उसे हम समकालिक या सम एज इवन एजेड वाला मान लेते हैं। दूसरा अन ईवन एजेड, वो फॉरेस्ट या वो जंगल जिसमें सभी पेड़ों की एज या उम्र अलग अलग होती है और अगर इनके बीच के एज के 100 साल से ऊपर हों तो उस केस में अगर डिफरेंस जो है वो 25% से ज़्यादा है तो हम उसे इरेगुलर या अनइवन एजेड कंसीडर करके चलेंगे। अब इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। इन केस ऑफ नेचुरल अनइवन एजेड फॉरेस्ट, डिफरेंस अप टू परसेंट ऑफ रोटेशन इज यूजली अलाउड, वेयर फॉरेस्ट इज नॉट हार्वेस्ट 400 या मोर ईयर। यहाँ पर देखो सीधी सीधी सी है कि इन केस ऑफ नेचुरल अन ईवन एजेड फॉरेस्ट, तो डिफरेंस कितना था अपना 25% वाला है, काम खत्म। दूसरा है, अच्छा सीधा मेथड ऑफ रीजनरेशन है, तो ये जो अगला अपना इसी का मुद्दा है जो फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन है, पहला अपना उसके हिसाब से था, अब नेक्स्ट अपना मुद्दा है इनके रीजनरेशन के बेस पे जंगल को डिवाइड करना कि आपके जो जंगल हैं वो किस आधार पे उगे हैं, यानी कि उगे कैसे हैं, वो सीड से उगे हैं या फिर कोपाइस से उगे हैं। कोपाइस को मतलब समझो, आपने देखा होगा कि कई बार अपन पेड़ जो है उसे काट देते हैं, पेड़ को कट करने के बाद जो उसका ठूंठ रह जाता है, ठूंठ को टर्म यूज करते हैं स्टम्प। ये जो स्टम्प है इससे कुछ दिनों बाद कुछ नए पेड़ पौधे ऐसे निकल आते हैं, इनको बोलते हैं अपन कोपाइस। ये कोपाइस टर्म याद रखना, कई बार बीच में भी अगले 7-8 दिन यही चलने वाला है, कोपाइस और स्टम्प। तो वो फॉरेस्ट जो सीड लगा करके उगे हैं उनको बोलते हैं हाई फॉरेस्ट, और वो फॉरेस्ट जो कोपाइस से उगे हैं उनको बोलते हैं कोपाइस फॉरेस्ट या
लो फॉरेस्ट। अब एक हाई है तो दूसरा लो होगा, तो दूसरे को क्या बोलेंगे, लो फॉरेस्ट। ये कुपाइस से हो सकते हैं, रूट सकर से हो सकते हैं, रत्तून से हो सकते हैं, ये क्या क्या है आगे जाके हम देखेंगे। कुल मिला के ये जो काय के जनन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, उसके मेथड है। अगर कोई फॉरेस्ट सीड से होता है तो उसे बोलते हैं हम हाई फॉरेस्ट या सीडलिंग फॉरेस्ट, और अगर वो वेजिटेटिव या काय के तरीकों से हो रहा है तो उसे कोपाइज फॉरेस्ट या लो फॉरेस्ट बोलेंगे। इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे और बेटर समझ में आएगा। अ हाई फॉरेस्ट द रीजनरेशन इज ऑब्टेन बाय, हाई फॉरेस्ट में रीजनरेशन हम किससे लेते हैं तो सीड से लेते हैं। व्हाट इज लो फॉरेस्ट, लो फॉरेस्ट क्या होता है, तो कोपाइज फॉरेस्ट को ही रिजनरेट फ्रॉम कोपाई सूट, उनको हम लो फॉरेस्ट बोलते हैं। रिजनरेट बाय सेल्फ सोन सीड, सीड वाला है तो हाई फॉरेस्ट है। एडवांस ग्रोथ, इसका कोई मतलब नहीं है। सीड सोन आर्टिफिशियली, आप सीड को चाहे आदमी ज़बरदस्ती लगा दे या प्राकृतिक तरीके से लग जाए, अगर सीड से है तो हाई है, ख़त्म काम। ये जो एडवांस ग्रोथ है इसका अलग ही सेंस है, आगे जाकर सेल्विकल्चर सिस्टम के दो चार टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ पर ही आ जाएगा। तो अपना आंसर आएगा दोनों के ही आंसर सी आएंगे अपने। नेक्स्ट अपना जो आधार है जिसके आधार पर अपन फॉरेस्ट को बांटते हैं वो है कंपोजिशन के आधार पर। फॉरेस्ट किससे मिलकर बना है, ऐसा फॉरेस्ट जिसमें लगभग एक ही टाइप के पेड़ हैं तो उसे हम बोलेंगे प्योर फॉरेस्ट। एक ही टाइप के पेड़ मतलब प्राकृतिक रूप से तो ऐसा होता नहीं है, या तो आपने कहीं प्लांटेशन कर दी, जैसे किसी ने खेत में 10 हेक्टर या 20 हेक्टर में यूकेलिप्टस की प्लांटेशन कर दी तो वो प्योर फॉरेस्ट है। या फिर जो अपने प्राकृतिक फॉरेस्ट हैं उनमें भी क्या होता है कि जैसे अपन लोग पढ़ेंगे बीच में कि एमपी में टीक फॉरेस्ट है या साल फॉरेस्ट है, तो कैसे कि ये एक ऐसा एरिया है जिसमें टीक मेनली डोमिनेंट है। उस पूरे एरिया का कम से कम 80% जो पेड़ है, 10 पेड़ पकड़ो तो उनमें 8 टीक के निकल जाएंगे। तो जो 80% है, कम से कम 80 या उससे ऊपर होना चाहिए, अगर कोई स्पीसीज बना रही तो हम उसे प्योर फॉरेस्ट मान लेते हैं। अगर कोई उससे नीचे है या बहुत सारी अलग अलग टाइप की स्पीसीज हैं उसमें, तो हम उसे मिक्स फॉरेस्ट, मिश्रित वन मान लेते हैं। तो इसे शुद्ध वन मान लो, शुद्ध प्योर, और इसे मिश्रित वन। अब मिश्रित वन में क्या है कि एक स्पीसीज तो होगी नहीं, वहाँ पर 3-4 टाइप के पेड़ पौधे होंगे। कुछ ऐसी स्पीसीज होंगी जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होंगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती होंगी, इन्हें बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल स्पीसीज, यानी कि वो स्पीसीज जो उस फॉरेस्ट एरिया में, मिक्स वाले फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है अपने लिए, फर्स्ट इन इम्पोर्टेंस। दूसरी ऐसी होंगी जो थोड़ी कम मिलती हैं, प्रिंसिपल से थोड़ी कम मिलती हैं, इन्हें बोलते हैं एसेसरी स्पीसीज, सहायक सहायक स्पीसीज। ये लेस वैल्यू है, ये फर्स्ट इम्पोर्टेंस है, उसके कंपेयर में ये लेस वैल्यू है, लेस वैल्यू देन प्रिंसिपल स्पीसीज, और असिस्ट द ग्रोथ ऑफ प्रिंसिपल स्पीसीज। एसेसरी या सहायक स्पीसीज वो है जो प्रिंसिपल स्पीसीज से कम इम्पोर्टेंट है और ये उसको लगभग सपोर्ट करती हैं। तीसरी स्पीसीज है ऑक्सिलरी स्पीसीज। ऑक्सिलरी वो है जो बिल्कुल इन्फीरियर क्वालिटी की, जो सबसे घटिया क्वालिटी की जो बची खुची माल है उन्हें बोलते हैं ऑक्सिलरी। तो इन्फीरियर इन क्वालिटी या साइज, यहाँ इन्फीरियर शब्द पे ध्यान दो, यहाँ लेस वैल्यू पे ध्यान दो, यहाँ फर्स्ट इम्पोर्टेंस पे ध्यान दो। इन्हें इसलिए कई बार सेकेंडरी स्पीसीज या सब्सिडियरी स्पीसीज भी बोल दिया जाता है। तो ये दो टर्म और याद रख लो कि सेकेंडरी और सब्सिडियरी। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन मारते हैं, खासकर ये मिक्स फॉरेस्ट पे। जैसे पहला है, अगर पेड़ जो है वो 80% ट्री ऑफ ए फॉरेस्ट आर सेम, देन इज नोन एज। अगर कोई जंगल है जिसमें लगभग 80% जो पेड़ हैं वो किसी एक ही पेड़, एक ही ट्री के बने हुए हैं, जैसे कि टीक ही टीक है या साल ही साल है, तो ऐसे जंगलों को हम क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे प्योर फॉरेस्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्योर फॉरेस्ट आर कंपोज ऑफ ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ वन स्पीसीज, यूजली टू एक्सटेंड ऑफ नॉट लेस देन। इनका कहना है कि प्योर फॉरेस्ट में कम से कम कोई स्पीसीज है वो एटलीस्ट एक फिक्स परसेंटेज तक तो उसका पूरा हिस्सा बनाती है, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो क्राइटेरिया कितना अपना 80%, और पिछले वाले में अपना कितना था, वो 25% का डिफरेंस था एज वाले में, इवन एजेड अन ईवन एजेड में। इसमें आगे क्वेश्चन देखते हैं,
आप फॉरेस्ट कंपोज ऑफ 1120 ट्री ऑफ टीक आउट ऑफ 1250 ट्री इज कॉल्ड। इनने थोड़ा ज़्यादा ही दिमाग लगा दिया। इनने सोचा कि हम एक काम करते हैं, सीधे पेड़ों का नंबर दे देते हैं और तुम खुद कैलकुलेट कर लो। अब अपन यहाँ पर करेंगे 1120 डिवाइडेड बाय 1250, इसे कैलकुलेट कर लेना, ये लगभग 85 या उसके ऊपर ही निकलेगा, यानी कि 80% से ऊपर है, तो ये अपना प्योर फॉरेस्ट है। अब यहाँ पर टिपिकल क्वेश्चन है, आ स्पीसीज ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी और साइज, वो जो अपनी मिक्स फॉरेस्ट है उसमें बता रहा है कि मिक्स फॉरेस्ट में कोई स्पीसीज है जो इन्फीरियर क्वालिटी और साइज की है, तो उसे हम क्या बोलेंगे। तो जैसा मैंने यहाँ पर बोला, आप डेफिनेशन की टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दो, इन्फीरियर क्वालिटी और साइज ये अपनी आ जाता है, इन्फीरियर में आ जाती ऑक्जिलरी, तो इसमें अपन को आंसर कौन सा लगाना है, ऑक्जिलरी स्पीसीज। ये APPSC सेक्शन ऑफिसर में अभी रिसेंटली आया था। इसका थोड़ा स्टोरी है, इसके पीछे रीजन ये है कि आप लोग चीज़ों को सही से समझो। इन्होंने सबसे पहले जो इसकी एक मॉडल आंसर की आती है उसमें इन्होंने ऑक्जिलरी स्पीसीज ही दिया था और जो सही आंसर था, फिर बाद में लोगों ने पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के इन्हें दे दिया। ये जो एग्जामिनर थे वो शायद ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थे या उन्होंने ऑथेंटिक सोर्सों को सही से नहीं देखा, तो लोगों ने उन्हें एसेसरी पकड़ा दिया और उन्होंने फाइनल आंसर एसेसरी दे दिया। लेकिन इसका आंसर ऑक्जिलरी ही है जो अपनी थ्योरी के हिसाब से सही है, और जो ऑथेंटिक सोर्सेस हैं जितने भी फॉरेस्ट्री के हैं जो मैन पिलर हैं, 7-8 बुक्स जो हैं, सभी इसे ऑक्जिलरी ही मानती हैं। ने क्लियरली दे रखा ना डेफिनेशन, इन्होंने कहीं गड़बड़ी कर दिया। अब अगला क्लासिफिकेशन देते हैं बेस्ड ऑन ओनरशिप, कि जंगल है उसका मालिक कौन है। अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट फॉरेस्ट है बोलते हैं, सरकारी वन है, लगभग अपने देश में 96% जो एरिया है वो सरकारी है। दूसरा है कम्युनिटी फॉरेस्ट, जिसकी जो माई बाप है वो कम्युनिटी है, इसको कई बार ये कम्युनल फॉरेस्ट बोल देते हैं। अब हम लोग कम्युनल के जो आजकल सेंस लेते हैं वो या तो कम्युनिस्ट से लेते हैं या रिलीजियस जो रहता है मुद्दा उससे लेते हैं, तो यहाँ कम्युनल का मतलब एक्चुअल में कम्युनिटी है। कम्युनल मतलब कम्युनिस्ट या कम्युनल वो रिलीजन वाला मुद्दा नहीं है, कम्युनल मतलब कम्युनिटी, तो इसे ध्यान रखना। कई बार ये टर्म आ चुका है कम्युनल फॉरेस्ट तो कन्फ्यूजन हो जाता है। एक है प्राइवेट फॉरेस्ट, प्राइवेट फॉरेस्ट कैसा होता है, जैसे कोई इंडस्ट्री है ये पॉल्यूशन वाली है, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस रहती हैं कि आपका जो पॉल्यूशन है, आप सपोज यहाँ पर 100 मीट्रिक टन CO2 को इमिट कर रहे हो, तो आपको कम से कम 50 मीट्रिक टन CO2 को खुद एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और कैसे करोगे, या आपकी जो इंडस्ट्री है वो पॉल्यूशन फैला रही है तो उसको क्या करोगे, इंडस्ट्री के जो है सराउंडिंग में, जैसे ये फैक्ट्री वाला एरिया तो उसके सराउंडिंग में प्लांटेशन वर्क कर देते हो, एक टाइप से ये इंडस्ट्रियल प्लांटेशन है। या आजकल जो बड़ी बड़ी पेपर मिल्स हैं वो पेपर मिल्स अपने ज़रूरत के पेपर के लिए खुद का भी बड़ा एरिया होता है जिसमें प्लांटेशन वर्क करती हैं, जैसे कि बिल्ट है चंद्रपुर में, अपने यहाँ भी बहुत सारी फैक्ट्री हैं जो पेपर वाली हैं, वो अपने ज़रूरत के लिए जंगल का एक एरिया किराए पे ले रखा है, उसमें पेड़ लगाती हैं, काटती हैं, पेपर बनाती हैं और फिर वहाँ पर फिर से बांस या यूकेलिप्टस लगा देती हैं। तो ये सब आते हैं प्राइवेट फॉरेस्ट में। एक आता है पंचायत फॉरेस्ट, जो अपने पंचायत की जो खड़ी ज़मीन है, पंचायतों के पास जो ज़मीन पड़ी हुई है उस पर जंगल लगवा दिए, उसका माई बाप पंचायत ही रहती है, वही उसे हायर करती है, वही देखती है कि इससे इतना टिम्बर है, 20 पेड़ कटवा दो, जो पेड़ कटेंगे उससे पंचायत के पास कुछ पैसे आ जाएंगे, गांव में पंप लगवाना है, नाली बनवानी है, सफाई करवाना, तो वो ऐसे काम चल लेता है। तो ये ओनरशिप के आधार पर कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट है, कम्युनल है, प्राइवेट है, पंचायत है, आपको ध्यान रखना है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये भी याद रखना है और ये बेस भी याद रखना है कि ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पे है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसे आ चुके हैं कि ये किसके इस आधार के बेस पे फॉरेस्ट को कौन कौन सी कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, जो आपको स्टडी मटेरियल है उसमें ये सारी चीज़ें क्वेश्चन मिलेंगे तो आप आराम से समझ जाओगे ना। नेक्स्ट आधार अपना आ जाता है फंक्शन के बेस पे, कि जंगल जो है वो क्या क्या फंक्शन करते हैं, जैसे कि जंगलों का काम है हमें प्रोटेक्शन देना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, CO2 को एब्जॉर्ब करके क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग का, तो एक टाइप से प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। दूसरा है नेशनल फॉरेस्ट, यानी कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यहाँ पर पर्पज़ है कि वो फॉरेस्ट
जो नेशनल इंटरेस्ट के काम में आएगा, यानी कि ये जंगल की वो ज़मीन है। आप इसे पूरे थीम को ऐसे समझ लीजिए कि जो 1952 की पॉलिसी थी अपनी फॉरेस्ट की, उसने देश की ज़रूरतों के हिसाब से अपने देश के पूरे जंगल के एरिया को 4 भागों में बांट दिया। बोला पहला ये एरिया वो जो पहाड़ीले एरिया का है और इसका काम है अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। दूसरा ये वो एरिया था जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टाइप से अपना हाथ रख दिया। इनका कहना था ये वो एरिया है जहाँ से जो भी प्रोड्यूस होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट या देश की ज़रूरतें उन्हें फुलफ़िल किया जा सके। देश की ज़रूरतें क्या है, जैसे डिफेंस है, मान के चलो ये अर्जुन टैंक बना रहा है और अर्जुन टैंक में जो बैठने के लिए चेयर है उसके लिए एक अलग टाइप की लकड़ी की ज़रूरत है, तो वो लकड़ी कहाँ उगेगी, वो ये नेशनल वाले फॉरेस्ट में। रेलवे के स्लीपर बनाने हैं उनके लिए लकड़ी चाहिए, या रेलवे की जो बोगीज हैं उन्हें बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, तो वो कहाँ से आएगी, ये नेशनल फॉरेस्ट से, यानी कि वो एरिया जो नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए रिजर्व कर दिया गया। नेक्स्ट आता है विलेज फॉरेस्ट, क्योंकि हर फॉरेस्ट से गांव जुड़े हैं, तो ये वो एरिया है जो गांव को दे दिया गया, यानी कि रहेगा डिपार्टमेंट के पास, लेकिन इसका जो उपयोग करने का, जो निस्तार करने के लिए जो अलाउ कर दिया वो गांव वालों को कर दिया। और चौथा एरिया वो ऐसा एरिया जो ट्री लैंड है, जहाँ पर पेड़ खड़े हुए हैं कहीं पर, वो ट्री लैंड में आ गया, कहीं बिखरे हुए पेड़ इधर उधर खड़े हैं। तो इस टाइप से जो अपनी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसने 4 टाइप के फॉरेस्ट बताए हैं फंक्शन के आधार पर। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 1970 में जो अपना नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की स्थापना हुई थी, इसने 76 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में भी इसने फॉरेस्ट को कुछ बेस पर क्लासीफाई किया था, इसने सीधा कर दिया था प्रोटेक्शन, प्रोडक्शन और सोशल फॉरेस्ट, ऐसी 3 कैटेगरी कर दी थी। प्रोडक्शन को फिर इसने यहाँ नीचे और कर दिए थे, ये अपने मतलब के नहीं है, आप इतना याद रखो, प्रोटेक्शन, प्रोडक्शन और सोशल, इस टाइप से 3 टाइप के क्लासिफिकेशन किए थे ये नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट में। आगे चलते हैं अपने यहाँ पर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लीगलिटी या स्टैट्यूटरी, जो कानून दाव पेच है उनके हिसाब से फॉरेस्ट को कैसे डिफाइन किया जाए, कैसे बांटा जाए। तो देखो कानून की सीधी चीज़ें होती हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है, वो देखेंगे कि किसी एक्ट में कौन सी एरिया को किसके अंडर डाला गया। तो इसमें अपना मैन आता है जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, ये 1927 का जो एक्ट है उसने जंगल को 4 हिस्सों में बांटा है इन्होंने, जैसे कि यहाँ पर फिर बांटते हैं 4 हिस्सों में, इन्होंने ऐसे ले लो कि ये कोई गांव है, इन्होंने बोला कि ये जो गांव के आसपास का जो एरिया है इस फॉरेस्ट को इन्होंने बोल दिया विलेज फॉरेस्ट। इसको इसके ऊपर एक पूरा इस एक्ट में एक चैप्टर दे रखा है, चैप्टर 3, गांव के हैं उनके लिए 3 चैप्टर है विलेज फॉरेस्ट। इनने एक अलग बना रखा है ये फॉरेस्ट जिसे पूरा कंप्लीट प्रोटेक्शन दे दिया और जो सीधी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, इसको बोला इन्होंने रिजर्व्ड, देखो ध्यान रखना है रिजर्व्ड, पूरा रिजर्वेशन दे दिया, ये है रिजर्व फॉरेस्ट, इसे रखा 2nd, यानी कि इसके माई बाप 2 लोग हैं, कौन कौन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और सरकार, और इसके माई बाप कौन कौन है, 3 लोग हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सरकार और गांव के लोग। तो 3 मतलब 3 के अंडर, चैप्टर 3 के अंदर, ये याद रखने में आसान आ जाता है, विलेज फॉरेस्ट चैप्टर 3, रिजर्व फॉरेस्ट चैप्टर 2, ठीक है। 3rd है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब क्योंकि ये रिजर्व है, ये विलेज है, गांव वाले कौन से मानने वाले हैं, वो इधर से इधर कई बार घुस जाते हैं, तो इनके बीच वाला एरिया एक है उसको दे दिया गया है एक टाइप से लिमिटेड प्रोटेक्शन, एक बहुत ज़्यादा नहीं है, एक लिमिट में प्रोटेक्शन दे दिया गया है। इसके लिए चैप्टर बनाया गया है 4, चैप्टर 4, तो आपको याद रखना है कौन सा किसके अंडर कौन सा चैप्टर है। और दूसरा ये याद रखना है कि देखो ये रिजर्व्ड है फॉरेस्ट, ये विलेज फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, और जो रिमेनिंग एरिया है जिसको इन सब की किसी की कैटेगरी में नहीं डाला गया है उसे बोलते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट, यानी कि जो अभी तक बांटा नहीं गया। इन 4 को याद रखना है, और आपको याद रखना है कि लीगलिटी या स्टैट्यूटरी
कि अंदर ही कौन कौन से आते हैं। इस पे बहुत टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, टिपिकल इन द सेंस स्लिटली मिस्टेक वाले। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, एन एरिया सो कॉन्स्टिट्यूट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और अदर फॉरेस्ट लॉ इज कॉल्ड। वो एरिया जो किसी संवैधानिक संविधान या किसी एक्ट अधिनियम के थ्रू या वन अधिनियम के थ्रू एज ए फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, उसे क्या बोलेंगे। अब आपने तो यहाँ पढ़ा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट और अनक्लास्ड। अब यहाँ देख लो, प्रोटेक्शन प्रोटेक्टेड पढ़ा है, यहाँ प्रोटेक्शन है ख़त्म। रिजर्व्ड फॉरेस्ट सही है, ये देखो एमपी का ही क्वेश्चन है। रेगुलर नहीं, रेगुलर इरेगुलर तो एज के आधार पे था, यहाँ का कोई मतलब नहीं है। पंचायत, उन्हें विलेज फॉरेस्ट दिया था, पंचायत नहीं। देखो पंचायत विलेज एक ही टर्म है, लेकिन हमें एक्ट के हिसाब से चलना होता है। जो एक्ट में लिखा है वो लिखा है, टर्म को इधर उधर तोड़ मरोड़ नहीं सकते। तो वहाँ पर उन्हें विलेज फॉरेस्ट बोला है, तो हमें यहाँ विलेज ही चाहिए था। अगर विलेज होता तो हम लगाते, नहीं तो नहीं। तो अपना आंसर है सी, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। यहाँ ऑप्शन जो है एक बार उन्हें फिर से ध्यान दो, रिजर्व्ड, विलेज, प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ड। सॉरी, ये है अनक्लास्ड, विलेज, अनक्लास्ड, प्रोटेक्टेड, विलेज और रिजर्व। तो ये ऑप्शन जो है उन पर ध्यान देना है आपको। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एन एरिया कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इज नोन एज। वो एरिया जो भारतीय वन अधिनियम के थ्रू निर्मित किया गया उसे क्या बोलते हैं। प्रोडक्शन, ये तो शब्द ही नहीं है। अब यहाँ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की बात की जा रही, तो इसका मतलब है 1927 की बात की जा रही, क्योंकि और तो कोई एक्ट ऐसा है ही नहीं जिसमें ये सारी चीज़ें हों। प्रोडक्शन ये शब्द ही नहीं है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट ये ज़रूर है। प्रोटेक्शन प्रोटेक्टेड होता है, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट शब्द है ही नहीं, प्रोडक्शन शब्द है ही नहीं। यहाँ पर है विलेज फॉरेस्ट और रिजर्व्ड फॉरेस्ट। अब यहाँ पर अपने साथ जो मुद्दा था वो अपना फंस गया है कि रिजर्व्ड लगाया जाए या विलेज लगाया जाए। यहाँ पर देखो क्या शब्द है, विलेज फॉरेस्ट और रिजर्व्ड फॉरेस्ट। तो इस क्वेश्चन में इसके दोनों ही आंसर सही थे। अब आपके पास मुद्दा था, आप इनमें से कुछ भी लगा दो, दोनों ही आपके सही थे। बीच में क्या किया गया, जब अटल जी की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने एक काम और किया था कि जो एक और एक एक्ट था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उस एक्ट में इन्हें थोड़ा चेंज किया और उस एक्ट में कुछ सेक्शन जोड़े। इन्होंने दो सेक्शन जोड़े थे उसमें, एक 36, इसे ध्यान से सुना है, 36A और 36C। 36A के अंदर इन्होंने एक रिजर्व बनाए जिसे बोलते हैं कंजर्वेशन रिजर्व, और दूसरा बनाया कम्युनिटी रिजर्व। तो एक दो टाइप की रिजर्व और बनाई गई, और ये फॉरेस्ट एक्ट के थ्रू नहीं बनाई गई, ये बनाई गई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। इन्हें और समझ लेते हैं कि ये है क्या। इन दोनों पे ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सेक्शन पूछे जा चुके हैं, इन दोनों के मतलब पूछे जा चुके हैं कि ये क्या है, और वो आपके लेवल के ही एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो पहले इनके जो सेंस है उसे समझते हैं। जैसे एक कोई नेशनल पार्क है, ये दूसरा एक नेशनल पार्क है। अब इसके एनिमल्स को इधर आना है, तो यहाँ बीच का जो एरिया है उसे थोड़ा प्रोटेक्शन दे देते हैं। जिसे आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। अब ये तुम वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बना रहे हो, इसको कुछ ना कुछ तो प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। अब डिपेंड ये करता है कि ये जो प्रोटेक्शन दे रहा है यही है कम्युनिटी रिजर्व, और वो जो रिजर्व थे दोनों वो यही शब्द हैं। अब डिपेंड करता है कि ये पूरा जो एरिया की ज़मीन है वो किसके पास है, केवल गवर्नमेंट के पास है, यानी कि गवर्नमेंट वाली कोई प्रॉपर्टी थी। जैसे कोई दूसरे डिपार्टमेंट के पास ज़मीन पड़ी हो, PWD के पास पड़ी हो, उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ट्रांसफ़र कर दो, या फिर ऐसी एरिया है जिसमें गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बीच में है, ये बस दोनों डिफरेंस है। तो पहला जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो एरिया है जिसमें प्रॉपर्टी केवल गवर्नमेंट की है, और कम्युनिटी रिजर्व का मतलब वो एरिया जहाँ बीच में एरिया जो है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही लोगों का है, तो फिर उसे कम्युनिटी रिजर्व बना दिया जाता है। बस आपको याद रखना है कि कौन सा क्या है, किस एक्ट के थ्रू है, कौन कौन से सेक्शन है, अपना काम हो गया।
नेक्स्ट जो अपने फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन है, दो ही और बचे हैं, एक है ग्रोविंग स्टॉक के आधार पर। यहाँ पर मुद्दा आता है कि आखिर ग्रोविंग स्टॉक होता क्या है। ग्रोविंग का मतलब उगने वाला, स्टॉक का मतलब आपके पास चीज़ें कितनी हैं। तो आपके पास कोई यूनिट एरिया ले लेते हैं, उस एरिया में कितने पेड़ हैं जो लगे हुए हैं, इनकी टोटल वॉल्यूम कितना है, वो है आपका ग्रोविंग स्टॉक। अब ग्रोविंग स्टॉक के आधार पर वनों को, जंगल को दो टाइप से बांटा जाता है, एक तो नॉर्मल फॉरेस्ट, दूसरे एबनॉर्मल फॉरेस्ट। इसे इन दोनों को समझते हैं, आगे फॉरेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग इसे फिर से पढ़ेंगे। मान लेते हैं आपके पास एक एरिया है, ये खेत, इसमें आप पेड़ लगा रहे हो, एक यहाँ 2 मीटर छोड़ के, फिर ये 2 मीटर छोड़ के, फिर ये, तो ऐसे पेड़ लगाए और आपने ऐसे करके पेड़ लगाए। सपोज इस एरिया में 100 पेड़ लग सकते थे, अगर इस एरिया में 100 पेड़ लग सकते थे और आज अगर आप वहाँ पर गए और पेड़ देखे और वहाँ पर अगर 110 पेड़ खड़े हैं, तो ये क्या होगा, ये ओवर स्टॉक हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ यहाँ हो गए। और अगर यहाँ 90 पेड़ मिले तो क्या हुआ, ये अंडर स्टॉक हो गया, जो होना चाहिए उस स्टैंडर्ड से नीचे है। इसके पीछे और भी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी इसमें परिभाषाएँ चलेंगी कि इनके एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या है, तो वो चीज़ें यहाँ समझाना पॉसिबल नहीं है, जब फॉरेस्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से डिस्कस की जाएंगी। तो यहाँ आप केवल एक तो समझ लो कि है आखिर ये ग्रोविंग स्टॉक क्या होता है, और अगर ये ट्रिनिटी ऑफ नॉर्म्स है, नॉर्मल सीरीज ऑफ एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, एज ग्रोविंग स्टॉक और नॉर्मल इंक्रीमेंट, अगर ये तीनों हैं, यानी कि ट्रिनिटी ऑफ नॉर्म मतलब तीनों के तीनों नॉर्मल है, तो ये आइडियल या नॉर्मल फॉरेस्ट है, और अगर ये नहीं मिल रही तो इसे एबनॉर्मल बोलेंगे। इसके बस डेफिनेशन से समझ लो, यहाँ पर इन्होंने डेफिनेशन पूछी कि कोई एरिया है जहाँ पर जो भी, चाहे नंबर में ले लो या वॉल्यूम में है, जो भी टोटल ग्रो हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, ग्रोविंग स्टॉक। फॉरेस्ट टाइप आर क्लासीफाई बेस्ड ऑन ग्रोविंग स्टॉक। ग्रोविंग स्टॉक के आधार पर हम फॉरेस्ट को कौन कौन से में क्लासीफाई करते हैं, हाई फॉरेस्ट नहीं, हाई फॉरेस्ट और लो फॉरेस्ट तो हमने करते थे रीजनरेशन के आधार पर, कि सीड से किया है या कोपाई से है, प्योर फॉरेस्ट या मिक्स फॉरेस्ट नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, प्योर और मिक्स हमने किया था उसकी कंपोजिशन के आधार पर। ग्रोविंग स्टॉक के आधार पर बांटा था नॉर्मल और एबनॉर्मल, ये प्रोडक्शन प्रोटेक्शन ये फंक्शन के आधार पर है, उसके प्रोडक्शन फॉरेस्ट है, प्रोटेक्शन है, प्रोडक्शन है, सोशल फॉरेस्ट है, ये फंक्शन के आधार पर है। स्टेटमेंट वन, वर्जिन फॉरेस्ट इज नॉट नॉर्मल। आप लोगों को शायद वर्जिन फॉरेस्ट का ज़्यादा आइडिया ना हो, ऐसे फॉरेस्ट जो अभी तक इंसान ने छेड़खानी नहीं की है, जैसे कि अफ्रीका में अमेजन बेसिन वाले एरिया है, वो फॉरेस्ट जहाँ इंसानी पहुँच नहीं है, इंसान ने उन जंगलों में जाकर कोई छेड़खानी नहीं की, वो प्राकृतिक रूप से बिल्कुल नेचुरल है, उन्हें बोला जाता है वर्जिन फॉरेस्ट। ओके, अब इनने बोला कि जो वर्जिन फॉरेस्ट है वो नॉर्मल फॉरेस्ट नहीं होते हैं, ये बात सही है कि नॉर्मल फॉरेस्ट केवल इंसान द्वारा लगाए गए फॉरेस्ट है, नेचर का भी नॉर्मल फॉरेस्ट बनाते ही नहीं है। यहाँ नॉर्मल का मतलब अपन वो आम बोलचाल वाला शब्द नहीं है, ये कि नॉर्मल है, ये नॉर्मल इंसान नहीं है, नॉर्मल का मतलब यहाँ स्टैंडर्ड से नहीं है, नॉर्मल का मतलब है जैसे अपन बोलते हैं कि अपने लिए एक इंसान चाहिए, एक आइडियल, तो जो आइडियल टर्म है ये आइडियल को यहाँ पर नॉर्मल शब्द यूज किया जाता है, ये आइडियल शब्द यूज ना करके इस आइडियल की जगह यूज करते हैं नॉर्मल। तो जो वर्जिन फॉरेस्ट है वो आइडियल फॉरेस्ट नहीं होते हैं, उसके पीछे रीजन है कि वो जो ट्रिनिटी ऑफ नॉर्म्स है, तीन चीज़ें हैं जो नॉर्मल होनी चाहिए, वो यहाँ नहीं मिलती हैं। नॉर्मल फॉरेस्ट हमेशा मैनमेड प्लांटेशन ही होती है, इसके दोनों ही स्टेटमेंट सही है। हो सकता है दिक्कतें हों, आगे चीज़ें धीरे धीरे चलेंगी तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आगे देखते हैं, अपना लास्ट रहेगा आज का क्लासिफिकेशन, किसे क्लाइमेट या इकोलॉजी के बेस पे, किसने दिया, चैंपियन एंड सेथ ने दिया था 68 में दिया था, इन्हें 5 मेजर थे, 16 टाइप थे, 221 सब टाइप थे। अब इनके जो टाइप थे इन्हें रट्टा मारने का टाइम आ गया है। तो पहला ग्रुप है जो है अपना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का,
क्लाइमेट के हिसाब से इन्हें बांटा ना, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, एल्पाइन, सब एल्पाइन, ऐसे पांच टाइप में बांटा है। तो ये तो क्लाइमेट के हिसाब से है। अब इसमें इन्हें पहले ग्रुप के अंडर रखे सात, इनमें कौन कौन से हैं ध्यान रखो, वेट। जब वेट मतलब बहुत ज़्यादा रेनफॉल है तो ऑब्वियसली वहाँ की जो वेजिटेशन है वो हरी भरी होगी, तो वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। थोड़ा कम बारिश हो गई तो सेमी एवरग्रीन हो गई। फिर आ जाता है मॉइस्ट, मॉइस्ट में आता है अपना डेसीडुअस, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा, सेकंड सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट है। फोर्थ नंबर का आता है लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, याद रखें ये ग्रुप फोर में आता है, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, जो मैंग्रोव्स हैं वो इसी के अंडर आते हैं। पांचवा है ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट, एमपी में लगभग 90% फॉरेस्ट यही बनाता है, और इंडिया का भी लगभग 40% पार्ट है जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो बनाता है वो ये ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट है। टीक अपना जो है वो ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट के जब डिवाइड करेंगे तो उनमें टीक फॉरेस्ट आ जाता है अपना। तो यहाँ पर देखो पहले वेट है, फिर मॉइस्ट है, फिर ड्राई है, एक एक छोड़ करके आ गए। और यहाँ पर नीचे है थॉर्न फॉरेस्ट, ये कांट वाला है ना, कांटे वाला राजस्थान का, वो थॉर्नी फॉरेस्ट है, कटीले वन, और ये ट्रॉपिकल कटीले वन बोल सकते हो, इसे ट्रॉपिकल को क्या बोले, उष्ण कटिबंधीय कांटेधारी पेड़, ये कांटेधारी वन। ग्रुप छः में आते हैं। सातवें में आएंगे ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, इन सातों के नाम रट्टा मार लो। दूसरा ग्रुप आएगा अपना ट्रॉपिकल के बाद सब ट्रॉपिकल। अब सब ट्रॉपिकल में क्या है, इसके भी तीन हैं, वो सिंपल सा है। पहला है ब्रॉड लीफ हिल फॉरेस्ट, यहाँ माउंटेन टर्म जुड़ा है सबके, माउंटेन सब ट्रॉपिकल, तो यहाँ पर पहला है ब्रॉड लीफ। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट हैं वो किस ग्रुप में आते हैं, तो एट ग्रुप में आते हैं, आठवें नंबर के ग्रुप में। नाइन पाइन, नाइन पाइन ये भी पूछा जा चुका है, पाइन फॉरेस्ट नाइन्थ ग्रुप में आते हैं। दसवें में ड्राई एवरग्रीन, ड्राई एवरग्रीन इसमें भी है, लास्ट में ड्राई एवरग्रीन इसमें भी है, तो ध्यान रखो इसका भी लास्ट है। अगर आपसे ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन पूछा तो इसका लास्ट है, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन तो इसका लास्ट है। आगे देखते हैं टेम्परेट वालों को, टेम्परेट में भी तीन, देखो इसमें सात है, इसमें सेवन है, इसमें थ्री है, दूसरे वाले में भी तीन ही है। इसमें कौन है टेम्परेट में, वेट, मॉइस्ट और ड्राई टेम्परेट, मॉइस्ट ड्राई टेम्परेट, तीनों के तीनों एक साथ लिस्ट में मिल गए। वैसे भी इसी में भी वही किया था, वेट, मॉइस्ट और ड्राई टेम्परेट हो गया। अब आता है अपना चौथा ग्रुप, उसमें एक ही है, सब एल्पाइन जो है उसके अंदर एक ही रखा गया है, सब सब एल्पाइन फॉरेस्ट, 14वें नंबर का। और 15 जो पांचवा मेजर ग्रुप है उसके अंदर दो रखे गए, 15 और 16, मॉइस्ट और ड्राई एल्पाइन फॉरेस्ट। इस टाइप से 16 टाइप अपने हो गए, 16 के नाम रट्टा मार लो। फिर ये पहले में सात हैं, फिर दूसरे तीसरे में तीन तीन हैं, चौथे में मतलब सात हैं, फिर तीन तीन हैं, फिर एक है और फिर दो हैं, तो ऐसे अपने यू हो गए। अब यह क्वेश्चन देख लेते हैं, इकोसिस्टम बेस्ड क्लासिफिकेशन, ज़्यादा तो क्वेश्चन हम लोग पहले ही देख चुके हैं, लेकिन यहाँ एक टाइप से रिविजन हो जाएगा कि इकोसिस्टम बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया, या रिवाइज फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन किसने दिया, क्योंकि रिवाइज मतलब पहले बहुत सारे टाइप थे, बाद में रिवाइज कर दिया था इन्हीं लोगों ने, चैंपियन एंड सेठ ने। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो दो कुछ ही चंगू मंगू वाले क्वेश्चन दिखा रहे हैं, झड़ी लगी है इनके क्वेश्चनों की। विच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, वनों के क्लासिफिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर कौन सा है, तब वो है क्लाइमेट, या तो इकोसिस्टम लिखा होता है, नहीं है तो क्लाइमेट लिख देंगे अपन, क्योंकि क्लाइमेट के आधार पर अपने ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट बांटा ही है। नेक्स्ट है चैंपियन और सेठ का जो क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट को, उनने कितने मेजर ग्रुप में बांटा है, पांच मेजर ग्रुप हैं, 16 16 टाइप हैं, 221 सब टाइप हैं, वो दर पूछे गए हैं। अकॉर्डिंग टू चैंपियन एंड सेठ क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मेजर ग्रुप, कौन सा है जो मेजर ग्रुप नहीं है, ट्रॉपिकल, माउंटेन सब ट्रॉपिकल, एल्पाइन, सब एल्पाइन, सब है, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो नहीं है। ये ग्रुप जो है ग्रुप अपना फिफ्थ, फोर्थ लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, उसके अंदर आता है मैंग्रोव फॉरेस्ट, और ये कहीं भी मैंग्रोव फॉरेस्ट डायरेक्ट सीधे सीधे बोले नहीं गया, ये तो इसका आंसर ये तो है ही नहीं, तो अपना आंसर आ जाएगा बी।
और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, लास्ट में है अपने क्वेश्चन, और कुछ है नहीं इसमें, ख़त्म हो रखा है आज का पार्ट। एक टर्म आता है फॉरेस्ट, जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं वन, और दूसरा आता है जंगल। इन दोनों के बीच का मतलब समझो, जैसे जंगल बुक वगैरह है, जंगल वगैरह समझते हैं। स्टार्टिंग फॉरेस्ट शब्द की कैसे हुई है कि जो मध्यकालीन जो यूरोपियन समाज था वो अपने एरिया के बाहर सराउंडिंग में पेड़ों की प्लांटेशन कर देते थे, यानी कि वो फॉरेस्ट जैसे बोलते थे, वो एरिया है जहाँ पर आदमी ने पेड़ों को लगाया है, प्राकृतिक वन नहीं है, लगाए गए वन है। जंगल का मतलब वो एरिया जिसे हमने आज तक लगाया नहीं है, वो प्राकृतिक रूप से ही चल रहा है। तो हमारे यहाँ अपनी जो संस्कृत है या हिंदी है, उसमें दो शब्द थे, एक था वन और दूसरा है जंगल। जंगल दो शब्द हैं। ये जो ब्रिटिश आए तो इन्होंने क्या किया कि फॉरेस्ट शब्द को तो वन से रिप्लेस किया और जंगल को उन्होंने सीधी सीधी अपनी डिक्शनरी में अडॉप्ट कर लिया। तो आज जो जंगल शब्द है पूरी दुनिया में यूज किया जाता है। तो आप जंगल और वन को डिफरेंस समझो, वन मतलब वो जो मैनेज फॉरेस्ट है और जंगल मतलब अनमैनेज्ड फॉरेस्ट है, जिसे हमने मैनेज नहीं किया है। तो कई बार जैसे न्यूज आती है, पेपर वाले, हिंदी पेपर वाले लग देते हैं जंगली अमला, एक्चुअल में उन्हें जैसे कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने कहीं पे जा करके रेड डाली है तो उसे बोलेंगे जंगली अमले ने ये किया, वो जंगली नहीं है, वो वन विभाग है। आप लोग अक्सर बोर्ड वगैरह देखते होंगे तो वहाँ पर भी वन विभाग लिखा जाता है, वो जंगल विभाग नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये सब के सब मैनेज वाले हैं। यहाँ तक अपना आज का इनफ है, बोरियत भी हो गई होगी, कल फिर यहाँ से आगे पढ़ेंगे अपन लोग, यहाँ तक के लिए इनफ है, अपन आगे देखते हैं।